अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी चंद रोज़ पहले हमारे यहाँ एक सिनेमा की वीडियो रिलीज़ हुई है जिसने एक रात को देखने वाले कैमरे लगाकर कुछ ऐसे जोड़ों की हरकत फिल्म बंद कर ली हैं जो सिनेमा देखने की आड़ में वहाँ पर नहायत फैश हरकत में मसरूफ़ थे। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अगर पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस स्कैंडल की बात कर रहे हैं, अभी कुछ रोज़ से ये हमारे सोशल मीडिया पे और हमारे हलकों में ये ज़ुबान ज़द आम है। तो मैं पहले कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जिंस एक बहुत ताकतवर जज्बा है, ये दूसरी भूख है, एक भूख पेट की होती है, उसके लिए भी इंसान सब कुछ कर गुजरने को तैयार होता है। और उससे बाद जो दूसरा बड़ा जज्बा है वो जिंस का है। जिंस भी एक इसी तरह भूख की तरह है, ये फितरत का एक तकाजा है। जवान बंदे को जिंस की बहुत तलब होती है, तो फितरत ने अपना रास्ता निकालना ही निकालना है। अब आप देख लें कि खित्ते में पाकिस्तान की आबादी दुनिया में या खित्ते में नौजवानों की रेशो तनासब सबसे ज़्यादा है। अब ये करोड़ों नौजवान जिनकी बाज़ वजूहात की बिना पर अभी शादी नहीं हुई या नहीं हो पा रही और वो बलोगत से गुज़र रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? जिस तरह भूखे ने खाना खाना ही खाना है, पेट भरना ही भरना है, चाहे वो जो भी उसे मैसर आए, इसी तरह नौजवान बंदे ने जिंस का कोई ना कोई हल निकालना है, उसने इसकी कहीं ना कहीं से तस्कीन हासिल करनी है। अब आप भले उनका निकाह ना करें तो क्या वो बैठे रहें? इस एक ताकतवर अफरीत को, एक इस जज्बे का, इसको कैसे वो, इसके ऊपर उनका कंट्रोल ही नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। क्या किसी दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जिसने कहा कि मुझे जिंस से कोई मसला नहीं? या तो उसे तिब्बी मसला हो तो ये अलग बात है, अदरवाइज़ तो ये ऐसा ताकतवर तरीन जज्बा है कि कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है। तो ये सब कुछ हमारे दाएं बाएं हो रहा है। अगर से हमने तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी हैं, हमने सोच रखा है कि जी सब ठीक है, ये इक्का दुक्का को वाक़ होते हैं और हम कहते हैं जी ठीक है, हम वक्ती तौर पर इस पर शोरगोल करते हैं और फिर अपने रूटीन में मगन हो जाते हैं। ये वाक़यात दोस्तों हमारे घरों में, हमारे गली मल्लों में, हमारे तालीमी इदारों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदरसों में, हमारे साफ़ती इदारों में, मीडिया चैनल्स पर, हमारे अस्पतालों में, हमारे आप किसी का भी नाम ले लें, ये वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है। तो कोई वाक़या इतफाक़न वो सामने आ जाता है तो हम कहते हो ये हो रहा है यार, ये ऐसा, ये बेहियाई है, फलान है, डिमकान है। भाइयों ये फितरत है, ये हो के रहना है। बेहतर है कि हम इसको तस्लीम कर लें और इसको जायज़ तरीके से इसका कोई हल निकालें। तो इसका जायज़ हल तो सिंपल सा, हर बंदा जानता है कि जो बंदा बालग हो जाए, बच्ची हो जाए, बच्चा हो जाए, उसका निकाह किया जाए। लेकिन उसमें रुकावट क्या है दोस्तों? उसमें रुकावट हमारे रस्म व रिवाज हैं। पहले भी मैं ये बात कई बार बयान कर चुका हूँ कि दीन ने, कुरान में निकाह की बात है। जिस तरह हमने कुरान की बहुत सारी बातों को बदल कर और कर लिया, इसी तरह हमने निकाह को भी शादी बना दिया है। अब शादी देख लें, हमारे माशरे में एक इतना भारी भरकम और तकलीफ दे अमल है कि जिसने लोगों की जानें निकाली हुई हैं। मैं समझता हूँ कि माशरे का सबसे बड़ा माशरती मसला ही अपने बच्चों की शादियाँ हैं। यहाँ पे लोग जो हैं अपनी उम्र से पहले मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लोग बीमार पड़े हैं, उनके जहन पे ये इतना बड़ा बोझ है कि यार मेरे घर में बच्चियां हैं, बच्चे हैं, मैं इनकी शादी कैसे करूंगा? ये सोच सोच कर वो बेचारे घुल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनको इनका कोई हल नहीं नज़र आता। लाखों रुपए के अखराजात वो कहाँ से करेंगे? हमारा मुल्क पहले ही इतने क्राइसिस में गुजर रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि लोगों के लिए तो बच्चों का पेट पालना मुश्किल हुआ पड़ा है, तो वो इतने अखराजात करके इतनी धूमधाम से शादी कैसे करें? अब मैं आपको सिंपली, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि मेरे ख़ानदान में पिछले चंद सालों में जितनी भी शादी हुई हैं, बहुत सी शादियाँ, कुछ लोग तो साहब हैसियत थे, वो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उनको भी यानी ये इसने हर्ट किया है। लेकिन ज़्यादातर जो सफ़ेद पोश लोग थे और उन्होंने ये ख्वाहिश की कि यार हम अच्छी शादी करेंगे, ये लोग कहेंगे जी बड़ी शादी की, तो बाखुदा ऐसे तमाम लोग शादी करने के बाद दिवालिया हो गए। उनका अगर कोई छोटे मोटे कारोबार थे तो वो कारोबार फ्लाप हो गए, वो मकरूज़ हो गए। बहुत से नौजवान लड़कों को शादी के फौरन बाद ये खलीज के मुल्कों में भागना पड़ा जॉब्स के लिए, कि अब जो शादी पे कर्ज़ा उठाया है वो उतारना है, अब घर के मामलात चलाने हैं। तो
इतने संगीन उसके को सिक्वेंसेज हैं, उसके असरात हैं कि आप देख लें अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों में हर जगह पे यही स्टोरियाँ हैं। या तो लोग शादी कर ही नहीं पाते, और अगर कर लें तो उसके बाद फिर उनका बेड़ा ही गर्क है। वो जो चंद लाख लगाते हैं, अब आम सी शादी भी 5-7-10 लाख से नीचे नहीं हो रही। तो यहाँ पे जब आपके लिए घर का ख़र्चा चलाना मुश्किल है तो आप ये कैसे करेंगे? बहुत से लोगों को अपने घर बेचने पड़े, बहुत से लोग जो पहले से ही किराए पे हैं वो उनका तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। उनके लिए तो अपना मकान का किराया, बिजली के बिल, दूसरे बिल, बच्चों की तालीम, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। तो धूमधाम से शादियाँ तो उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देंगी। तो फिर आखिर इसका हल क्या है? दोस्तों, इसका हल उसी तरीके में है जो कुरान ने हमें बताया है। निकाह, निकाह बहुत सिंपल है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। निकाह अरबी में एग्रीमेंट को कहते हैं, मुआहदे को कहते हैं। जिस तरह आपका दूसरे तमाम मुआहदे हैं, आप किसी के साथ कोई ख़रीदो फरोख्त करते हैं, कोई चीज़ अपनी बेचते हैं, ख़रीदते हैं, किसी को जॉब पे रखते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप किराए पे लेते हैं, किसी भी किस्म का आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो आप वो स्टाम्प पे लिखते हैं या चलें किसी शादी पेपर पे लिखते हैं, उसके ऊपर दो गवाह आप अंगूठा साइन करते हैं, दो गवाह उस पर अपनी गवाही डालते हैं और वो कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है। तो निकाह भी एक ऐसा ही एग्रीमेंट है। इसको इस चीज़ों से निकाल दें कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें वाबस्ता हैं, फ़लान है। कुरान ऐसा कुछ नहीं कहता। कुरान सिंपली दो चीज़ों की बात करता है कि दो ऐसे फ्रीक जो आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, और दो गवाह, यानी वो इसको छुपा हुआ अमल ना हो, ये माशे को पता हो कि ठीक है जी, ये दो बंदे अब मिलकर रहना चाह रहे हैं और इन्होंने आपस में निकाह कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया है। तो दोस्तों, यूरोप में यही सब कुछ हो रहा है। अब मैं ऐसी बातें कहूँगा तो बहुत से लोग समझेंगे कि यार ये तो यूरोपी माइंडेड हो गया है और ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, लेकिन मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ और वो यही कर रहे हैं। वहाँ पर अगर एक लड़की लड़का वो मिलकर रहना चाहते हैं, जिनको हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फ्रेंड कहते हैं, और उनके ऊपर हमने बेहयाई के और ये फतवे लगा रखे हैं कि वहाँ तो बड़ी फाशी है जी, उरियानी है जी, वहाँ पे तो लोग बेनिकाह के रहते हैं, फलाने है। वो दोस्तों निकाह है, कुरान की रूह से वो निकाह है। कुरान कहता है कि दो फरीक चाहिए बालिग, और दो गवाह या वो इसका ऐलान कर दें, तो वो ऐसा ही करते हैं। लड़की लड़का आपस में मिलकर नाना का सोचते हैं तो अपने माँ बाप को बताते हैं, मुआशरे को भी पता चल जाता है। और सिंपली वो करते क्या हैं, एक अलग से कमरा लेते हैं, लड़की अपना सामान उठा लाती है, कुछ कपड़े या जो भी, लड़का अपनी चीज़ें ले आती है और वहाँ पे वो मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताएं इसमें क्या खर्चा है, इसमें किसी के लिए टेंशन है? उस लड़की लड़के के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, मुआशरे के लिए, किसी के लिए कोई इसमें दिक्कत है? नहीं, सादा सा काम है। और किस सादगी और आसानी से वो ये सब कुछ कर जाते हैं। और वहाँ पर देख लें, मुआशरों में कोई भी ऐसे मामलात नहीं है जो हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ, और हमारे नौजवान जो कुछ कर रहे हैं, तो हमने अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो अलग बात है, वरना ये बड़ा एक भयानक सूरत हाल है। और उसका हल सिर्फ यही है कि हम सादगी के साथ निकाह करें, शादियों से जान छुड़ाएँ, निकाह करें, निकाह करें दोस्तों, निकाह करें। मैंने सोच रखा है कि मैंने अगर मैं मेरे बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 3, मैं इनकी जब करूँगा तो मैं खुद करूँगा, ऐसे ही करूँगा। लड़की और लड़के को आमने सामने बिठाऊँगा, लड़की के वालदैन भी होंगे, मैं और मेरी बीवी भी होगी, और चंद और हमारे दोस्त या अजीज़ो कारब होंगे। तो हम आमने सामने मैं बिठा के उनसे पूछूँगा कि बेटा, आप दोनों की शादी की जा रही है, निकाह किया जा रहा है, लड़के की ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, लड़की की ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, और अगर आपको ये कबूल है, आप एक दूसरे को दिल से कबूल करते हैं और इन ज़िम्मेदारियों को निभाने का अहद करते हैं और इस सूरतेहाल को कबूल करते हैं, तो ये आपका निकाह है। अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो 2 दिन मज़ीद ले लें। अगर आपने आपको नहीं कबूल तो यकसर इनकार कर दें, तो सिंपल। और जब वो कहेंगे ठीक है जी, हमें ये कबूल है, हम दिलो जान से इस पर मुतमईन है और हम इसको करने का अहद करते हैं, तो बिस्मिल्लाह आपका निकाह हो गया जी, बस यही कुछ है। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी को खाना खिलाएं, गरीबों को खिलाएं, आप उस खुशी में और कुछ छोटी मोटी ऐसी हरकत करते हैं तो ठीक है, लेकिन मुआशरे के लिए अजाब मत बने। अगर आपके पास पैसा है और नहीं है और आप कर्ज़ लेकर मुआशरे में धूम धड़का करते हैं, ये रसूमात करते हैं, तो ये मुआशरे ऊपर भी अजाब है और आपका भी इसमें बुरा हाल हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।